सलाम वालेकुम, आप लोग देख रहे हैं एशियन रेसिपी विद बेगम अनार के लिए। मैं बनाने वाली हूँ आज सूरन की बहुत ही मसालेदार चटपटी स्वादिष्ट सब्जी रेसिपी। इसे जिमी कंद भी कहते हैं और इंग्लिश में एलिफेंट फुट याम भी कहते हैं। ये हमने दो सूरन लिया है, ये लगभग आधा किलो होगा दोनों, और इसे हम अच्छी तरीके से छील लेंगे। धोके साफ़ कर लिया, इसे छील लेंगे। हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे क्योंकि इससे खुजली होती है और गले में भी लगता है, इसलिए इसमें खटाई का भी इस्तेमाल करते हैं हम। चाकू पर भी लगा लेंगे और चाकू और पोटैटो कटर की मदद से दोनों को छील लेंगे। सूरन की सब्जी खाने से दिमाग तेज़ होता है, इसे किसी भी रूप में ले सकते हैं, चटनी, अचार या सब्जी के रूप में ले सकते हैं। इसमें पोटेशियम पाया जाता है, फाइबर पाया जाता है, विटामिन बी, फोलिक एसिड, फास्फोरस, तांबा पाया जाता है। ये दो हमने टमाटर लिए, एक अदरक का टुकड़ा लिया, एक प्याज लिया है, एक प्याज को काट लिया, एक पीसेंगे, और दो नींबू लिया है, इसका रस निकाल लेंगे। ये हमने पीसे हुए कुछ मसाले लिए, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर। तेल गरम कर लेंगे और इसमें हम सूरन डाल के अपना और इसे फ्राई कर लेंगे लगभग 10 मिनट तक। बिल्कुल पूरा कुक नहीं करना है, अच्छी तरीके से 5-10 मिनट फ्राई कर लें। ये धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, एक प्याज कटा हुआ है। तड़के के लिए हमने तेज पत्ता लिया है, थोड़ा सा जीरा लिया है, थोड़ा सा मेथी लिया है और दो छोटी इलायची ली है। पहले प्याज को डाल के ब्राउन होने तक पकाएंगे। अभी हमने तड़का लिया था, इसे भी डाल देंगे। अच्छी तरीके से प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। ये हमने जीरा लिया है, थोड़ा सा काली मिर्च लिया है, दो खटाई ली है और जो अदरक का टुकड़ा, प्याज और टमाटर लिया था, इन सभी का पेस्ट बना लेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे हम अपने, और ये सूखे मसाले जो हमने लिया था वो भी डाल देंगे इसमें और उसे अच्छी तरीके से पकाएंगे। सूरन जोड़ों के दर्द में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इसलिए सूरन का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये मसाले हमारे बहुत ही अच्छी तरीके से पक गए हैं। थोड़ा सा इसमें हींग डालेंगे और चलाते हुए कुछ देर पका लें। और ये हमने फ्राई करे हुए जो सूरन रखे थे उसे भी डाल के चलाते हुए कुछ देर पकाएंगे। जिन लोगों का चर्म रोग